युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 50वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समारोह राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखनाथ मंदिर स्थित स्मृति सभागार में किया गया। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दोनों संतों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महंत अवैधनाथ जी महाराज समन्वय, सहनशीलता, संस्कार, प्रखर राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा की प्रतिमूर्ति थे। गोरखनाथ मंदिर के स्वरूप का जो खाका महंत दिग्विजयनाथ महाराज ने तैयार किया, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उसे पूर्ण किया। शिक्षा स्वास्थ्य को सेवा का साधन बनाकर इस पीठ ने जन सेवा को ही भगवान की सेवा मानकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि 48 शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सेवा के संस्थान मंदिर द्वारा संचालित है। महंत अवैधनाथ महाराज ने भारतीय सनातन धर्म एवं संस्कृति में प्रतिष्ठित धर्म स्थलों की भूमिका को वर्तमान युग में साक्षात प्रस्तुत किया। सीएम योगी ने कहा कि गौ संरक्षण, गौ संवर्धन एवं प्लास्टिक का उपयोग ना करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकारें अपना प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन जनता भी को आगे आकर काम करना होगा। संतों के प्रवचन के ये विषय भी पर्यावरण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक का उपयोग ना करने इत्यादि होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि संस्कृत केवल पुरोहितों का विषय ना रहे, बल्कि हमारे प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान के शोध का विषय हो। उन्होंने आश्रमों का आह्वान किया कि समृद्धिशाली गौशाला बनाए ताकि गौ संवर्धन और गौ संरक्षण हो सके। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज भारतीय संस्कृति, हिंदू चिंतक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। श्री गोरखनाथ मंदिर भारत की संस्कृति, संस्कारों और परंपरा का मंदिर है। उन्होंने कहा कि न्यास की अध्यक्षता मणि राम छावनी अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने कहा कि देश के सनातन धर्म, हिंदुत्व, सामाजिक समरसता, राम जन्मभूमि मुक्ति और पूर्वांचल के शैक्षिक प्रगति के नए आयाम दोनों ब्रह्मलीन महंत जी ने प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज से लेकर अब महंत योगी आदित्यनाथ तक को हिंदुत्व का संरक्षण विरासत में प्राप्त हुई। इस अवसर पर भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बचपन से मैं नाथ संप्रदाय योगियों को देखता रहा हूँ, ये त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति होते हैं। एक बार मैं उड़ीसा में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर गया और जब उन्हें पता चला कि कुछ मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है तो उन्होंने मुझे कहा कि इसे ठीक करो। योगी जी ने ये बात इस नाते कही क्योंकि उन्हें संस्कार में महंत अवैधनाथ जी महाराज की विरासत मिली है। सामाजिक समरसता गुरजपीठ व संस्कार है। उन्होंने LPG के गैस पाइपलाइन यहाँ लाई जा रही है, साथ ही मोतिहारी से गोरखपुर को जोड़कर एक दूसरी पाइपलाइन लाई जा रही है जो नेपाल और भूटान में जाएगी। इस प्रकार गोरखपुर ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। इससे गोरखपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। अब यहाँ कचरे से भी ईंधन बनाया जाएगा। अब हमारा अन्नदाता किसान ऊर्जा दाता भी बनेगा। महंत अवैधनाथ जी महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े रहे। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संतों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्गदर्शन करने के लिए पढ़ाए परम पूज्य गोरक्षनाथ महाराज
जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज से स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम सबके बीच आशीर्वाद देने के लिए लगभग प्रतिवर्ष जगदीश नाथ जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। देवी पाटन शक्तिपीठ से बता रहे कि हमारे मन पर विराजमान प्रयागराज और इसी के बाद जो पुरुष ब्रह्मलीन मान सिंह वेनाथ जी महाराज और इसके पश्चात मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ माता की गौ माता की गंगा माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ भगवान की पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज की हमारे देश में अनेक साधकों ने साधना और सबने साधना सत्य की किया सम्मान करने वाले अरिष्ट विजयनाथ जी को प्राप्तम दिग्विजया समस्त अखिलम आदित्यनाथाय दत्तम ये महात्मने सुगुण ने सर्वप्रिया सबके प्रिय सब साधु संस्कृत को ज्यादा मानते हैं कोई भी महाराज जी तो हमको बहुत मानते हैं सब समझते हैं कि हम कोई ज्यादा मानते हैं इसलिए सर्वप्रिया पूज्योन रविंद्रनाथ त्रिपुरा ऐसे रविंद्रनाथ जी महाराज जिन्होंने कहां से इस रत्न को खोज करके निकाल लिया जिसकी चमक के सामने आज सब लोग चौंधिया जा रहे हैं यही शब्दों के साथ रविंद्रनाथ जी महाराज जी को विजयनाथ जी महाराज जी की 50वीं पुण्यतिथि महंत अरविंदनाथ जी महाराज जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे आज की श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्ष आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री नाथ संप्रदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे बैठे हुए जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी सरस्वती महाराज महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज लोकसभा सदस्य योगी बालकनाथ जी मंच पर बैठे हुए सभी पूज्य संत संतगण यहाँ स्थानीय लोकसभा सदस्य विद्य रवि किशन जी और इस संत समावेश में इस
सभा में उपस्थित नई पीढ़ी की भाई और बहनों, शहर के तथा उत्तर प्रदेश की अन्य इलाका से आए हुए समाज के प्रबुद्ध नागरिक मंडली, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले मैं जिनको मन से दशकों से श्रद्धा करता हूं, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूं। उन्होंने हमें आज की इस पवित्र सभा में दो शब्द कहने का अनुमति दिया, आदेश दिया, ये मेरे जिंदगी की एक सौभाग्यशाली दिन है। मैं आभारी हूँ, मठ के प्रति आभारी हूँ, बहुत मुख्य रूप से आभारी हूँ। तो मैं इतिहास का, सामाजिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, थोड़ा बहुत गोरखपीठ के बारे में, और मैं जहाँ से आता हूँ, पूरी धाम से आता हूँ, उड़ीसा से आता हूँ, वहाँ शिव जी और विष्णु भगवान दोनों को हमारे वहाँ तो जगन्नाथ जी हैं, लेकिन उतने ही आदर के साथ हम विष्णु भगवान की, शक्ति माता की भी पूजा करते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक राज्य है। मैं बचपन से हमारे गांव देहात में भी नाथ संप्रदाय के संतों को मैं बचपन से देखा हूँ, उनकी त्याग तपस्या, और विशेष करके मैं मेरे परिवार से जो बुजुर्गों से जो सुना, भारत में आज भी अनेक परंपरा, अनेक धार्मिक आस्था अनुष्ठान है, सब अपना अपना योग्य काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ चुनिंदे पीठ है, कुछ संप्रदाय है, कुछ समूह है जिन्होंने उन समय की आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई थी और आज भी कर रहे हैं। अगर मैं इस पवित्र पीठ में मेरा परिचय पूरी धाम को हुई, आदरणीय महाराज जी के साथ एक जन आंदोलन में हम शामिल होने के लिए महाराज जी को हम पूरी ले गए थे। किसानों की जमीन अधिग्रहण हो रहा था, उसके खिलाफ में एक पदयात्रा हो रहा था, महाराज जी को लेके मेरे मन में एक कल्पना था कि महाराज जी शायद एक समय में पूरी मंदिर के दर्शन की इच्छुक रहेंगे। मैं दुष्टता कर रहा हूँ, महाराज जी के मन में ऐसा कुछ आग्रह तो बहुत नहीं दिख रहा था, मैं संभाल नहीं पाया। मैंने कहा कि महाराज जी दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, तो मैं जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र उन दिनों में मेरे प्रांत में एक छोटी सी पूरी में छोटी सी एक मंदिर में, जैसे समाज की रूढ़िता आती है अनुप्रवेश का, जाति के आधार पर अनुप्रवेश की विवाद चली थी, वो चर्चा खूब चल रही थी अखबार में, महाराज जी उसको पढ़े थे। उन्होंने मेरे को कहा कि घर में आपके वहां मंदिर को ठीक करो, अच्छा नहीं। जीवन के एक प्रशिक्षण की दिन था, सामाजिक समरसता की बहुत बात करते तो सुनी थी, पर मैं विश्वासी हूं उस विषय का, लेकिन एक संत कहे, एक स्वामी, एक महाराज कहे कि हमारे देश में, हमारे मंदिरों में पिछड़े वर्गों को, दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को अनुमति नहीं देना, यह गलत बात है। जो लोग लिबरल मानते हैं, जो खुद को प्रोग्रेसिव मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उत्तर हो रहा है कि भारत की संत समाज आज नहीं, इसकी संस्कार का है। आदित्यनाथ इसीलिए कहे, उनको उनकी गुरुओं ने उनके इस पीठ में संस्कार दिया है, समाज अगर दुर्बल होगा तो समाज की कुछ भी भौतिक प्रगति काम पे नहीं आएगा। मैं मानता हूं भारत के सामाजिक जीवन को इन दिनों में गोरखपीठ की सबसे बड़ा कोई संस्कार रहा तो सामाजिक समरसता उसके बड़ा संस्कार रहा। आज देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग अभी अभी प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन काली है, सुखद संजोग देखिए, दो महात्माओं का पुण्यतिथि हम पालन कर रहे हैं और देश के लोकप्रिय जननेता
जन्मदिन के अवसर पे भी हम पालन कर रहे हैं। देश हमारी नई ऊंचाई छू रहा है, छुएगा, इसमें कोई संदेह आज देश के किसी की भी मन में नहीं है, विश्व में भी किसी की मन में नहीं है कि भारत विश्व में एक नया मार्गदर्शक के रूप में उभर रहा है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जिस देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे, जिस देश के सबसे बड़ा राज्य के नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करेंगे, उस देश के राज्य आने वाले दिनों में विश्व के नेतृत्व। लेकिन किस मूल्य के साथ करेगा, किस वैल्यू के साथ करेगा, उसकी नई पीढ़ी क्या अपने बारे में सोचेगा या अपने राज्य देश तथा दुनिया मानवता के बारे में सोचेगा, ऐसे अपेक्षा 21वीं सदी में भारत के प्रति लोगों की है। और मैं बहुत प्रभावित हूं, ये पीठ जो एक ग्रुप है, ये पीठ सिर्फ प्रवचन नहीं करता है, समाज की जब आवश्यकता होती है सोलिए भी दिखाता है। भारत में शायद चुनिंदे पीठ है जहां अध्यात्म समर्पण संस्कार आवश्यक पड़ने से शौर्य का भी प्रदर्शन करने वाला संस्कार इस पीठ में दिया जाता है। मैं मानता हूं आज के दो गुरुओं के बारे में हम उनकी श्रद्धांजलि सभा या पुण्य तिथि में उनको याद करना, हम उस विचारों को याद करें। भारत वर्ण तय है, उत्तर प्रदेश उसके नेतृत्व करना पक्का है, लेकिन उसकी दिशा गोरखपीठ ही उसको दिखाए, यही हम सबकी प्रतिबद्धता रहे, संकल्प बना रहे। मैं जो विभाग के काम संभाल रहा हूं, हमारा भी पूरा गिलहरी की भूमिका इस पीठ के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज ऐसी संजोग इसीलिए के साथ जुड़ा है, मैं जब जब गोरखपुर आता हूँ पूरा प्रकृति आपको परीक्षा करता है आपकी मेरी निष्ठा गोरखपुर के प्रति है या नहीं है। 5 साल पहले मैं आया था, हेलीकॉप्टर नहीं चल पाया, मैं रोड में आया। आज भी मैंने दिल्ली से जब निकला, लोगों ने मेरे को कहा, मित्रों ने कहा बारिश हो रहा है, मैं गोरखपुर में जाऊँ और वहाँ प्रतिकूल की प्रश्न ना हो जो हो ही नहीं सकता है। और मेरे मन में था कि मैं 5 घंटा रोड पास कर, 5 घंटे लगते भी नहीं है, 2-4 घंटे में 3 घंटे में गोरखपुर बाई रोड पर आ जाता है, मैं पक्का आऊंगा। मित्रों, आने वाले दिनों में गोरखपुर एक ऊर्जा का क्षेत्र बनने वाला है। मैं 5 साल पहले आया था, हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो 8 करोड़ की जो कनेक्शन आज देश में नरेंद्र मोदी जी ने लगाए, उसकी संस्कार भी हमको गोरखधाम में मिली थी। मैं कभी आगे उसको विस्तार से बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उस संस्कार को मैंने समझा था और सीखा था, गरीबों को कल्याण कैसे करे भारत सरकार ने हम उसको करके दिखाया। हमने पश्चिम तट से गुजरात से दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन, हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके एलपीजी पाइपलाइन गोरखपुर तक लेके आ रहे हैं। 2 साल के अंदर गोरखपुर में ट्रक में एलपीजी नहीं आएगा, पाइपलाइन आएगा, भारत की सिरासत को जोड़ते हुए। उठने में हम अटकेंगे नहीं, पूर्वी तट पारादीप से और एक पाइपलाइन हम मोतिहारी तक लेके आ चुके हैं, मोतिहारी और गोरखपुर को भी जोड़ेंगे और इस गोरखपुर से हम नेपाल और भूटान तक भी पहुंचाएंगे। इसीलिए आधुनिक भारत में गोरखपुर घरेलू ईंधन की एक तीर्थ क्षेत्र होगा, एक नया संगम होगा, ये गोरखपुर की चिंता। आज पुण्य तिथि में समाज सुधार की, समाज में नए विचार की जिन संतों ने परंपरा छोड़ के गए हैं, हम उनकी दायर के नाते, हम उनकी वारिस के नाते योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज गोरखपुर के इतिहास का हमें नया चैप्टर खुलने वाले, अध्याय खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कचरे से संपन्नता लाना, वेस्ट से वेल्थ बनाना। आज गोरखपुर में इंडिया एनर्जी कॉर्पोरेशन की ओर से 150 करोड़ रुपया खर्चा करके हम कचरे से शहर की कचरा, घरेलू कचरा, खेतों की कचरा, जंगल की कचरा, कचरों से ईंधन बनाएंगे। और दिन दूर नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, इस बार बजट में भी घोषणा किया गया है, हमारे देश की ऊर्जा दाता और अन्नदाता आने वाले दिनों में ऊर्जा दाता बनेगा, उसकी आज की पुण्यतिथि में एक नया कड़ी उसमें से जुड़ा जाएगा।
ऐसा एक संयंत्र की आज श्री गणेश किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। मैं मानता हूँ इस भारत के इस पवित्र पीठ के लिए जो पीठ समाज को नया दिशा दिया है, समाज को नया दर्शन दिया है, आज आधुनिक भारत में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए, भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर करने के लिए, भारत में वैज्ञानिक शक्ति की पराकाष्ठा दिखाने के लिए आज गोरखपुर भी अपना भूमिका निभाएगी, ऊर्जा क्षेत्र बनेगी आने वाले दिनों में गोरखपुर। मैं पुनः मठ के प्रति, मंदिर के प्रति और हमारे पूज्य गुरुओं के संस्कार के प्रति मेरे मन की भावना को समर्पित करते हुए इस मठ का मैं आयोजकों का मैं आभारी हूँ। मेरे को आमंत्रण करने के लिए संतों के प्रति मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमें मार्गदर्शन करने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खाली बातें करके करके संतों का दर्शन करता था।
दर्शन किया, प्रथम दर्शन में ही बहुत ही स्नेह दिया। ज्यादा बात तो नहीं हुई, बस प्रणाम आशीर्वाद। इतने सरल सहज परोपकारी संत कम देखने को मिलते। मुझे वो बात नहीं भूलती है, सन 1991 में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हम लोग चुनाव प्रचार करें। उस सिलसिले में पहले पहल मैं यहाँ आया और ऊपर होने वाले कमरे में चला। सवेरे नजर से स्नान पसंद किया मैंने और अपनी कमरे बिछा के नीचे बैठ कर लिया। महाराज जी बस घूमते खाते आए, कहें महाराज जी आप जमीन पर बैठे हुए हैं पूजन करने, सामने गद्दी है वहाँ बैठ कर पूजन करें। मैंने मुझे कुछ अच्छी सूची, मैंने कहा महाराज जी मैं उस पर बैठूंगा तो वो भी गद्दी ले लूँगा, वो भी गद्दी ले लूँगा। हम आंसू भर तेरे भाव पुरुष आशा मन का मृत्यु भी गति आपकी ही है, मैं तो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो करूंगा। आज वो ज्योति ज्योति न होकर के मणि का रूप लेकर के संसार में बिना देर के सारे प्रदेश को प्रकाश। मैं ठीक नहीं कहूंगा, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बोलने के लिए हमारे रामदास आचार्य जी, हमारे सेवाचार्य जी सब हैं, बोलते बोलना नहीं आता। संस्कृत को बचाने के लिए संस्कृत विद्यालयों का संरक्षण आवश्यक हो रहा है। संस्कृत नहीं तो संस्कृति नहीं, संस्कृति नहीं तो संस्कार नहीं, और संस्कार नहीं रहेगा तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा धर्म कहां रहेगा। इसलिए संस्कृत विद्यालयों में नियुक्तियां जो रुकी हुई है उनको आप फिर से खोल दें। माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम चार अध्यापक प्रधानाचार्य, व्याकरण का अध्यापक, साहित्य का अध्यापक और आदि अध्यापक, चार अध्यापक तो हर विद्यालय में आवश्यक। प्रथम श्रेणी के विद्यालय जैसे चल रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए आप पूछी लें, ये हमारा कार्य है। दूसरी बात और हम लोग अपने मन की कह दें, एक गोरक्षपीठ तो ही है, गोपनिष्ठ की रक्षा यहां होती है, यहां से होती रही है, और आप अपने मुख्यमंत्री तो कार्यालय में ही गोरक्षा का बीड़ा उठाया है। उपेक्षित कर सकते हैं गोवंश को, हमारे समाज के लोगों ने उपेक्षित कर दिया है, उनके संरक्षण के लिए आपने जगह जगह पर हर गांव में सुन देंगे वो सालों का
खाने का डाल दिया, पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लोग, किस कारण से नहीं कर पाते ये नहीं बता सकता। जब तक कि समाज गोवंश की रक्षा नहीं करेगा, उनका पालन नहीं करेगा, उनको फिर से अपने घरों में पाने का नहीं, तब तक गोवंश की रक्षा नहीं होगी। किसान लोग आज खेती करते हैं ट्रैक्टरों से, मशीनों से, मशीनरी की खेती का परिणाम यह है कि बैलों की आज जरूरत नहीं। मैंने ऐसे ऐसे जमींदार को देखा है कि आप एक एक हजार हल करते थे, इसमें दो जीवन चलता। आज छोटे छोटे किसान भी अपने पास एक बैल नहीं रखते, एक बछिया नहीं रखते, बछिया को छोड़ देते हैं, बछड़े को छोड़ते ही हैं, बछिया को छोड़ देते हैं, कहां रह रहे हैं कोई पता नहीं। एक बछिया तो हमारे आश्रम प्रयाग के आती थी, मैंने कई बार अनाउंस किया था सबकर से, भैया जिसकी बचिया हो बांध लो, आप नहीं बांधोगे तो मैं बांधूं, लेकिन किसी ने उसको नहीं सुनी, बचिया को नहीं बांधा, अंत में उसको हमने बचिया बांध लिया और यह बचिया होगा। गोबर से रक्षा करें, गोबर से खेती करें, गाय से दूध पिए मिलावें, अधिक नहीं कहते हुए महाराज के चरणों में अपने बाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए महंत योगी आदित्यनाथ के प्रति मंगल कामना। और जैसा हमारे महंत जी ने कहा उसका समर्थन करते हुए कमल के प्रति मंगल कामना करते हैं। इस प्रतिशत कामिग्राम इन दोनों महापुरुषों ने धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक जीवन में जिस प्रकार का जीवन यापन किया था, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जिन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित था, गोरख स्पीड उन परंपराओं को लेकर के आज भी चल रही है और निरंतर चलेगी। ये हम सब का एक बाध्य है कि हम अपने इन पूज्य आचार्यों के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरित होकर के प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में गोरख स्पीड का योगदान हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीठ के द्वारा चले जाने वाली सेवाएं हों, सेवा के अन्य प्रकल्प हो, या फिर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, ये सभी भारत के सनातन धर्म की परंपराओं के हिस्से हैं, जो हम सबको इस मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने जैसा जीवन जिया था और समाज को जिस प्रकार की प्रेरणा प्रदान की थी, गोरख स्पीड उससे तनिक भी नहीं हटी है और हटने का सवाल भी नहीं होता है। और मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए उसका अनुगमन आज भी यहाँ का कण कण करता है और प्रतिवर्ष होने
होने वाले सम्मेलन या आयोजन उसी श्रृंखला की एक नई अग्रिम कड़ी बनती हुई आगे दिखाई देती है। मैं आभारी हूं अपने पूज्य संत जनों का और अपने सभी पूज्य आचार्यों का, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज यहां पर भी अपना उद्बोधन दे रहे थे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत जी महाराज भी, उनका मार्गदर्शन उनका आशीर्वाद भी यहां पर प्राप्त हो रहा था। अन्य हमारे पूज्य संतों का मार्गदर्शन भी यहां पर प्राप्त हुआ और भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात के मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपनी बातों को यहाँ पर बहुत प्रभावी ढंग से रख करके इन दोनों पूज्य आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। ये जो भी चीजें चल रही, मुझे लगता है कि जब गौ माता की बात आती है तो ऊर्जा का एक अथाह भंडार गौ माता के रूप में हम सबके पास है, हम उसे पहचानने का प्रयास करें। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि आज गोरखपुर में जिस यूनिट का वे शिलान्यास करने जा रहे हैं बायोफ्यूल की, ये जितना भी कचरा होगा चाहे वह खेत का होगा, गौशाला का होगा या फिर शहर का होगा, इससे ईंधन बनाने की कार्रवाई प्राप्त होगी, बड़ा निवेश भी होगा और नौकरी और रोजगार के गो संरक्षण के लिए प्रदेश के अंदर बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। मुझे महाराज जी कह भी रहे थे एक बड़ा कार्यक्रम सरकार ने प्रारंभ किया है, ये गो संरक्षण का कार्य है, गो संवर्धन का भी है। गो संरक्षण का इस मायने में क्योंकि गाय हमारे लिए भारत की ऋषि और भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था की एक आधार स्तंभ है। प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर को मथुरा में एक आरोग्य मेला का शुभारंभ किया है, प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान, ये प्लास्टिक के खिलाफ अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए, न केवल प्रकृति के लिए, अभी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और गौ माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है। जब एक गाय प्लास्टिक खाती है जिसको हम कहीं पूजा की सामग्री लेकर के, कहीं उसमें जूठन डाल करके, कहीं सब्जी के छिलका डाल करके सड़क में फेंकते हैं, तो वही गाय जब उसको खाती है तो प्लास्टिक धीरे धीरे करके उनके पेट में ही उसका गोला बनता जाता है। हम लोगों ने देखा है 15-15, 20-20 किलो के गोले गायों के पेट में, कितना दर्दनाक होता होगा, कितनी पीड़ा देती होगी। लेकिन ये हमने अपनी सरलता और सस्ता के लिए प्लास्टिक का उपयोग करके किया है। प्लास्टिक को पूरी तरह मुक्त करना, दूसरा खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से गोवंश को मुक्त करने के लिए बृहद अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया है। और साथ ही साथ आरोग्यता की दिशा जो भी आवश्यक उपचार होंगे उस दिशा में बृहद पहल और कार्य प्रारंभ हुए हैं। उसी परंपरा को आप जानते हैं, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने अवैध मुचड़ खाने सर बंद करवा दिए। अवैध मुचड़ खाने बंद हुए, अवैध मुचड़ खानों में जो
सकता था वह सड़क पर और खेतों में आया। हमने समाज का आह्वान किया कि आप इसके संरक्षण के लिए कार्य करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बाद में सरकार ने अपने स्तर पर ही व्यवस्था आगे बढ़ाई। अलग अलग स्थानों पर जो गो आश्रय स्थल है, लगभग 3.5 लाख गोवंश वर्तमान में शासन के द्वारा चलाए जाने वाले गो संरक्षण केंद्रों में अपनी गायें हैं। और हमने किसानों के लिए व्यवस्था दी है कि जो किसान है 3.5 लाख से अधिक गायों को, एक किसान को 4 से अधिक गाय नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई किसान अपने घर में एक राशि गो वंश को रखता है तो उस किसान को अगर जिलाधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उसको प्रमाणित करके उसका परीक्षण करता है कि सेवा ठीक करता है तो हर महीने हर गो वंश के लिए 900 रुपये हम सरकार की तरफ से उस गोपालक को या उस किसान को देने जा रहे हैं। और ये कार्रवाई मुझे लगता है कि हमारे आश्रमों को इस दिशा में आगे आना चाहिए, धार्मिक आश्रमों को। हर आश्रम में 100-150-200 गाय होनी चाहिए। गोरखस्पीड में 350 गाय है हमारे पास। ब्यास से 2-2.5 साल पहले तो एक एक गाय का नाम मैं पुकारता था, सभी मेरे पास आती थी। पिछले 2.5 वर्ष से मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन गाय उसी प्रकार से तंदुरुस्त है गोरखस्पीड में जैसे पहले मैं देखता था। बीच में एक बार थोड़ी लापरवाही हुई थी तो उस समय मुझे स्वयं समय देना पड़ा था एक दिन का। अपने सामने मैंने पूरी गौशाला की सफाई कराई थी, छिड़काव कराया था और सबकी जवाबदेही तय कराई कि जितने कर्मचारी मंदिर के थे, गौशाला से जुड़े हुए थे, सब थे। और फिर से आप देखेंगे यहाँ की सभी गाय उसी तंदुरुस्ती के साथ, पूरी मजबूती के साथ आज भी यहाँ पर गो सेवा का कार्य उसी रूप में चल रहा है। और ये कार्य हर आश्रम में हो सकता है। मुझे लगता है वेदांती जी को छोड़कर के सभी संतजन अपने अपने आश्रम में गो सेवा कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। और भारतीय नस्ल के गो, दूसरा हमने एक व्यवस्था इसके साथ और जुड़ी है कि गोवंश के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बछिया ही पैदा हो। हम लोग जिस एक नई तकनीक को लेकर के आए हैं उसमें 90-95% बछिया पैदा हो रही है और अच्छी नस्ल की हो रही है। हम उसकी तकनीक को भी हर जिले में प्रारंभ कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि गोपालक और किसान भी इस मामले में आगे आगे आएंगे तो उनकी आमदनी कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन समाज को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, हमारे उच्च संतों को अपने प्रवचन का इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा, प्लास्टिक के खिलाफ भी और किसी भी प्रकार की उस व्यवस्था के खिलाफ जो धर्म संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ हो। गो माता की रक्षा करना, संस्कृत का संवर्धन करना, अच्छे और योग्य शिक्षक बने, इसी दिशा में नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। संस्कृत केवल एक सामान्य रोहित की ही भाषा बनी न रहे बल्कि यह प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की उन नई ऊंचाइयों को, चेतनता की उस उच्च शिखर पर पहुंची हुई वह एक देववाणी है, उसके शोध का, उसके अनुसंधान का एक माध्यम भी बने। सरकार ने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक संस्कृत विज्ञान केंद्र का निर्माण सरकार इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है, जिससे संस्कृत के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन की दिशा में भी हम आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है हर संस्कृत निष्ठ व्यक्ति को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, इसके साथ जुड़ना चाहिए। आश्रमों की व्यवस्था के साथ मैं हमेशा इस बात को देखता था, मेरे पूज्य गुरुदेव एक बात को कहते थे, एक आश्रम में कोई आए तो भूखो नहीं रहना चाहिए, जो कुछ आप स्वयं खा रहे हैं उसको भी खिलाना चाहिए बिना भेदभाव के, उसको अन्न मिलना चाहिए, अन्न क्षेत्र हर आश्रम में जरूर चले। दूसरा, संस्कृत के अध्ययन अध्यापन का केंद्र हमारे धर्म स्थलों को बनना चाहिए। तीसरा, साधन है तो मैं आधुनिक शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा से परहेज नहीं
नहीं करना चाहिए बल्कि इसके केंद्र में बना करके लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और अगर आपके पास साधन है तो सेवा के उन प्रकल्पों के साथ जहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो उस प्रकार की व्यवस्था हमें समाज के साथ जोड़ करके देनी चाहिए। सरकार के साथ अगर धार्मिक संस्थाओं का संबल बड़ा हो जाए जो एक बहुत बड़ी मात्रा में है तो कार्य कई गुना आगे बढ़ जाता है और कार्य एक जन आंदोलन का रूप लेता है। और जन आंदोलन जब भी कोई कार्य होता है तो वह उसकी सफलता उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ती भी दिखाई देती है। ये कार्यक्रम उसी अनुरूप आगे बढ़ने चाहिए। पिछले 7 दिनों से यहां पर जो कार्यक्रम आयोजन समिति ने किए उन सभी विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां भी हुई है। वे गोष्ठियां धार्मिक स्थलों के महत्व और संतों की भूमिका को लेकर के भी था, संस्कृति और संस्कृत और संस्कृति को लेकर के भी थी, गोवंश के महत्व को लेकर के भी थी और भी जल के संरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी, साथ साथ गोरक्षपीठ के द्वारा की जाने वाली सेवाओं के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के और सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाने को लेकर के भी थी। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार आज जब यहाँ पर पूज्य संतों का सानिध्य और अन्य महानुभावों का सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है, निश्चित ही आयोजन मंडल और पीठ से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं उसका अनुसरण करते हुए उसे और दूर से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार पुनः अपने पूज्य आचार्यों के प्रति, पूज्य संतों के प्रति, अतिथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आगंतुक सभी महानुभावों के प्रति भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मानव प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका के साथ इन 7 दिनों के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करके अपने संस्थापकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी है, उन सबको हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति अपने मंगल में महाराज की शिक्षणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपनी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।